एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है, मैं इसे डिक्टेट करता हूँ, ए सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रेटेड एज 25 KVA 1100/440 V 50 Hz. द इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर टू द एलवी साइड इज 0.06 ∠78°Ω. Using transformer rating as base values, determine the per unit leakage impedance referred to LV and HV side. यानी कि दोनों साइड इसका लीकेज इम्पिडेंस निकालना है. ठीक, तो पहली चीज सिंगल फेज है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो लाइन के लिए है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूजिंग ट्रांसफार्मर रेटिंग एज बेस वैल्यूज. तो बेटा एस बी कितना हो जाएगा आपका, बेस कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगा बेटा आपका 25 KVA. ठीक, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर का जो बेस वोल्टेज होता है वो चेंज हो जाता है. तो इसमें कहा गया है रेटिंग को ही बेस वोल्टेज मानना है. तो मैंने क्या किया, V1B प्राइमरी ले लिया मैंने 1100 V, सेकेंडरी ले लिया बेटा मैंने 440 V. अब यही हमें चाहिए थे तो ये हमने ले लिया. तो मैंने हाई वोल्टेज साइड को मैंने माना है बेटा प्राइमरी साइड, और लो वोल्टेज साइड को माना है मैंने सेकेंडरी साइड. और इसमें दिया क्या है, जेड इक्विवेलेंट 2 दे रखा है बेटा, लीकेज साइड लीकेज इंपेडेंस दे रखा है आपका एलवी साइड, ये दे रखा है बेटा 0.06 ∠78°. ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं एक करके. तो सबसे पहले निकालते हैं हम एलवी साइड का, एलवी और सेकेंडरी साइड. अब देखो यहां गिवन क्या क्या है, सेकेंडरी साइड का पैरामीटर बेस वोल्टेज कितना है बेटा 440 V, इस तरफ का एक्चुअल इंपेडेंस कितना है बेटा 0.06 ∠78°. अब एक्चुअल इंपेडेंस है, बेस इंपेडेंस निकालना है आपको, बेस पावर कितना रखा है 25 KVA. तो यहां से मैंने क्या किया, जेड टू बेस सेकेंडरी साइड बेस इंपेडेंस निकाला, वो कितना निकल के आएगा बेटा V2 बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SB. तो V2 बेस कितना है बेटा आपका 440 का स्क्वायर अपॉन 25 × 10³. हाँ बेटा, मेरे पास इसके कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हैं, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं. तो ये निकल के आ गया बेटा 7.744 Ω. यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, ये तो निकल के आएगा. तो अब एक चीज़ देखते हैं, जेड टू पर यूनिट ये कितना निकल के आएगा, जेड इक्विवेलेंट 2 डिवाइड बाय जेड टू बी. तो अब एक चीज़ देखिए, इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना दे रखा था 0.06 ∠78° डिवाइडेड बाय 7.744. तो ये निकल के आएगा बेटा आपका, मेरे पास कैलकुलेट रिजल्ट्स हैं, ये हो जाएगा बेटा 7.74 × 10⁻³ ∠78° पर यूनिट, ये बेटा इतना निकल के आएगा. अब चूंकि हमें पता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के पर यूनिट पैरामीटर बराबर होते हैं, तो फिर भी हम एक बार इम्पेडेंस निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं HV और प्राइमरी साइड. मैंने इसमें प्राइमरी साइड लिया है, तो प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा 1100,
तो जेड इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड कैसे निकालेंगे हम, 1100 डिवाइडेड बाय 440 का होल स्क्वायर इनटू जेड इक्विवेलेंट 2। तो ये निकल के आएगा बेटा आपका 1100 डिवाइड बाय 440 का स्क्वायर इनटू 0.0678 डिग्री। तो ये निकल के आएगा बेटा आपका जेड इक्विवेलेंट 1 इक्वल्स टू, ये मेरे पास रिजल्ट लिखा हुआ है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जेड इक्विवेलेंट क्यों निकल के आएगी बेटा 0.375 एंगल 78 डिग्री ओम, ये निकल के आएगा। अब आप बेस इम्पिडेंस को, प्राइमरी साइड के बेस इम्पिडेंस को भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, या फिर दो फार्मूले यूज कर सकते हो आप, 1100 अपॉन 440 का होल स्क्वायर इनटू Z2B और V1B का स्क्वायर अपॉन SB। तो दोनों से ही सेम आंसर निकल के आएगा आपका। तो बेटा ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 48.4 ओम। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों साइड से ही आपके सेम निकल के आएगा। तो हम निकालते हैं बेटा Z1 पर यूनिट, तो क्या होगा बेटा ये जेड इक्विवेलेंट ऑन प्राइमरी साइड अपॉन जेड बेस ऑन प्राइमरी साइड, ये है आपका 0.375 एंगल 78 डिग्री डिवाइडेड बाय 48.4। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे बेटा तो ये निकल के आएगा आपका 7.74 इंटू 10^-3 एंगल 78 डिग्री पर यूनिट। तो दोनों साइड का ही सेम निकल के आएगा, इसे आप मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं पर यूनिट पे, जिसमें ना सिंगल लाइन डायग्राम का यूज किया गया है। एक चीज़ है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यूजिंग द बेस वैल्यूज ऑफ 3 kVA, 230 volt एट जनरेटर, ड्रॉ पर यूनिट सर्किट डायग्राम एंड पर यूनिट इम्पिडेंसेस एंड सोर्स वोल्टेजेस, आल्सो कैलकुलेट द लोड करंट बोथ इन पर यूनिट एंड इन एम्पियर्स। यानी कि इसमें कहा गया है इस सर्किट के लिए आपको इसका पर यूनिट इम्पिडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको सिंगल फेज में करके बताया था, और पर यूनिट इम्पिडेंस निकालने हैं और सोर्स वोल्टेज निकालना है पर यूनिट में, जहां बेस पावर है 3 kVA और बेस वोल्टेज है जनरेटिंग साइड पे यहां कितना है आपका 230 volt। ठीक, अब इस डायग्राम का मतलब क्या है सारे एलिमेंट का मैं बताता हूँ। ये है आपका जनरेटर, इट इज़ द सिंबल ऑफ जनरेटर। यहाँ ये जो जनरेटर है ये है आपका स्टार कनेक्टेड, जिसमें इसका जो स्टार है वो न्यूट्रली ग्राउंडेड है। ठीक, अब यहाँ जो वोल्टेज है 220 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं हम बस, इसे कहते हैं बस बार या बस। यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है, उस ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन है T1, जिसकी पावर है 3 kVA और वोल्टेज है इसका 230/433। यानी कि यहाँ जो उस ट्रांसफार्मर का काम है वो क्या कर रहा है, स्टेप अप, और इन रेटिंग के करस्पॉन्डिंग इसका रिएक्टेंस इक्विवेलेंट वाला पर यूनिट में दे रखा है 0.10 पर यूनिट। ठीक, अब ये जो पर यूनिट वैल्यू है वो इसके करस्पॉन्डिंग है। फिर है इसमें अगेन एक बस, ठीक, यहाँ आ गया एक लाइन, एक ट्रांसमिशन लाइन, इस लाइन का जो नेट रिएक्टेंस है वो है 3 ओम। ठीक, फिर अगेन एक बस आ गई, फिर आ गया एक ट्रांसफार्मर T2, अब वो उसकी पावर है 2 kVA, यहाँ से दिख रहा है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 440/120 volt, और इसका पर यूनिट इम्पिडेंस रखा है अगेन 0.10 पर यूनिट। फिर अगेन एक बस आ गई, फिर यहाँ लगा रखा है आपका लोड, अब ये जो लोड लगा रखा है इसका जो इम्पिडेंस रखा है 0.8+j0.3 ओम, और इसे कर रखा है हमने कॉमन ग्राउंड। ठीक,
अब इसमें ना आपको पर यूनिट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और रेस्पेक्टिव रिएक्टेंसेस और इम्पोडेंसेस की आपको और वोल्टेजेस की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है। तो अब मैंने क्या किया, इसे है ना जहाँ जहाँ ट्रांसफॉर्मर है उतने मैंने इसके सेगमेंट बना लिए। अब देखिए पहला सेगमेंट बना ये, चूँकि ट्रांसफॉर्मर के इस तरफ तक बेस वोल्टेज कुछ रहेगा, जैसे ही ये सेगमेंट आया यहाँ बेस वोल्टेज कुछ और हो जाएगा। अब यहाँ मैं बेस वोल्टेज को मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ जो बेस वोल्टेज है बेटा कितना दे रखा है आपका 230 वोल्ट। ठीक, यहाँ कितना रखा है 230 वोल्ट। अब इस तरफ का बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा, अब चूंकि इसके स्पेसिफिकेशन क्या है 230/433, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 230 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ बेस वोल्टेज 433/230, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, तो ये वोल्टेज इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा इनटू 230, तो बेटा कितना आ गया 230 वोल्ट। कहाँ तक, अगेन इस सेक्शन तक, कहाँ तक है इस सेक्शन तक, यानी कि है ना इसके सेकेंडरी, इस बस, इस लाइन, इस बस और इसका प्राइमरी, इस रेंज तक के लिए आपका जो बेस वोल्टेज है वो कितना रहेगा बेटा 433। इसे कट गया। अब एक चीज, अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कर रहा है आपका स्टेप डाउन, तो यहाँ बेस वोल्टेज कितना है 433, तो अगेन क्या होगा ये चेंज होगा कितना 120/440 इंटू यहाँ कितना है 433, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास कैलकुलेटेड रिजल्ट है, ये निकल के आएगा बेटा आपका 118.09 वोल्ट। तो अभी तक क्योंकि हमें क्या करना होता है, पूरे के पूरे पर यूनिट सिस्टम के एनालिसिस के लिए दो बेस वैल्यू चाहिए, बेस पावर कॉम्प्लेक्स वाली और बेस वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में रेस्पेक्टिव बेस वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं और उनकी वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिफाइन होते हैं। तो यहाँ 230 है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का करस्पॉन्डिंग यहाँ जाएगा 433। अब यहाँ 433 है तो इसके इस साइड कितना आ जाएगा 118.09 इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का अकॉर्डिंग। अब इस बस के लिए और इस लोड के लिए कितना रहेगा 118.09 वोल्ट, क्योंकि बेस पावर कभी चेंज नहीं होती, तो मैंने यहाँ बड़ा बड़ा करके लिख दिया बेस पावर कितना है आपका 3 KVA। ठीक, चूंकि मेरे पास के कैलकुलेटर रिजल्ट्स हैं, तो अब एक चीज देखिए, तो हमने क्या किया, सारी की सारी हमने बेस वैल्यूज सेलेक्ट कर ली। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जनरेटर के लिए या सोर्स के लिए, यहां मैंने लिखा जनरेटर, क्योंकि जनरेटर का सिर्फ वोल्टेज गिवन है Vs इक्वल्स टू 220 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, और इस साइड जो बेस वोल्टेज है वो कितना है बेटा 230 वोल्ट, तो Vs पर यूनिट कितना निकल के आएगा Vs अपॉन VB, ये हो जाएगा बेटा 220 एंगल 0 डिग्री अपॉन 230, ये आएगा बेटा 0.95 एंगल 0 डिग्री पर यूनिट। कितना निकल गया है, इतना निकल गया। अब आता है हमारा ट्रांसफॉर्मर T1, ट्रांसफॉर्मर T1। अब चूंकि ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस कितना होता है बेटा
प्राइमरी और सेकेंडरी साइड बराबर। अब चूंकि है ना बेस केवी कितना है 3 KV है, तो इसकी भी रीडिंग कितनी है 3 KV है। अब इस तरफ 230 लेके चल रहे हो, 230 लेके चल रहे हो तो यहाँ भी 230 है। 433 लेके चलोगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 433 है। तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ ये बेस वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, ये बेस वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। अगर ये तो मैंने डायरेक्टली कह दिया, अगर मैथमेटिकली निकालना हो तो मैं ऐसा निकाल सकता हूँ। इसके लिए एक्स टी वन ओल्ड कितना दे रखा है बेटा, 0.10 पर यूनिट। अगर मुझे न्यू निकालना है एक्स टी वन न्यू, चूँकि पर यूनिट वैल्यू प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड सेम रहती है, अगर आप सेकेंडरी साइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज लेना पड़ेगा, प्राइमरी साइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स टी वन ओल्ड, ये एक्स टी वन यानी कि ये एक्स इक्विवेलेंट ही है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, टी वन मैंने इसके लिए यूज किया, ठीक। तो अब ये फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, अगर मैं प्राइमरी साइड का ले रहा हूँ तो वी वन बी ओल्ड का स्क्वायर अपॉन नया वाला बेस वी वन बी का स्क्वायर इनटू एस बी न्यू अपॉन एस बी ओल्ड। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स टी वन ओल्ड, यहाँ आप सेकेंडरी का लेना चाह रहे हो तो आपको यहाँ सेकेंडरी का लेना पड़ेगा। अब दोनों से आंसर यही निकल के आएगा सेम, एस बी ओल्ड। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बेटा यहाँ पर, अगर आप प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज ले रहे हो ठीक, तो आपको प्राइमरी साइड का नया वाला बेस लेना पड़ेगा, अगर आप सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज ले रहे हो तो आपको नया वाला भी सेकेंडरी साइड ही लेना पड़ेगा। अब दोनों साइड से चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो बेटा तो ये आएगा, ये कितने का 0.10 इंटू, मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूँ 433, ये कितना हो जाएगा 433, ये कितना दे रखा है बेटा एस बी न्यू, ये 3 KVA अपॉन 3 KVA कट गया, ये पूरा कट गया तो वो कितना आ गया 0.10 पर यूनिट, यानी कि नया वाला और पुराना वाला क्या आ गया बेटा सेम। नया वाला और पुराना वाला क्या आ गया बेटा सेम आ गया। अब देखते हैं बेटा हम इसके बाद में क्या रहा है लाइन, यहाँ कोई वैल्यू मेंशन नहीं है तो इसके लिए हम कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं हम लाइन, अब लाइन के लिए एक्स लाइन दे रखा है बेटा आपका 3 ओम, तो आपको बेस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर बेस वोल्टेज कितना है बेटा 433 वोल्ट, तो यहाँ एक्स बेस ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर अपॉन एस बी, वी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 433 का स्क्वायर, और ये कितना है 3 KVA 10^3। तो बेटा मेरे पास कैलकुलेटेड रिजल्ट है, ये निकल के आएगा आपका लाइन के लिए ये हो जाएगा 62.5। इसे आप एक्स बी भी लिख सकते हैं और ये आप जेड बी भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 62.5। अब एक्स लाइन पर यूनिट एक वस्तु एक्स लाइन अपॉन जेड बी,
ये हो गया बड़ा 3/62.5 इक्वल्स टू, मेरे पास आंसर है ये निकल के बड़ा 0.048 पर यूनिट। इसके बाद में आता है आपका ट्रांसफार्मर T2, तो उसे भी चेक करते हैं बेटा। अभी अब देखिए यहाँ पर बेस वैल्यू भी नहीं थी, सिर्फ हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी, तो बेस वैल्यू निकाल के हमें पर यूनिट निकालना पड़ा। यहाँ पर सिर्फ सोर्स वोल्टेज था तो सोर्स वोल्टेज को चेंज करना पड़ा। यहाँ पर क्या था, पुरानी वैल्यू की करस्पॉन्डिंग नहीं निकालनी पड़ी, अगेन यहाँ का करना पड़ेगा, पुरानी वैल्यू की करस्पॉन्डिंग हमें नया निकालना पड़ेगा। तो अगेन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ये वाला बस यहाँ क्या हो जाएगा, T2 बस इतना सा चेंज हो जाएगा। तो अगेन एक्स T2 न्यू, तो यहाँ दे रखा है बेटा एक्स T2 ओल्ड वाला कितना दे रखा है 0.10 पर यूनिट। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 0.10। अब यहाँ क्या आता है, वोल्टेज का स्क्वायर। अगर आप प्राइमरी साइड वाला वोल्टेज ले रहे हो तो ओल्ड कितना है 440, नया कितना है 433। अगर आप पुराना वाला 120 ले रहे हो तो यहाँ लेना पड़ेगा आपको 118.09। दोनों से आंसर क्या आएगा बेटा, सेम। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा 440 यहाँ है ओल्ड अपॉन 433 का स्क्वायर न्यू MVA कितना है 3, ये कितना दे रखा है 2, तो बेटा ये निकल के आएगा आपका 0.1548 पर यूनिट। ये हो गया बेटा आपका ट्रांसफार्मर T2। अब बात करते हैं बेटा हम लोड की। अब लोड की हम बात करते हैं, तो लोड के लिए बेटा हमें देख दिया क्या हुआ है, और यहां से देखिएगा एक्चुअल वैल्यू दे रखी है इम्पीडेंस की, ZL कितने रखा है 0.8 प्लस जे 0.3 ओम। अब एक चीज देखो, यहाँ बेस वोल्टेज कितना है बेटा 118.09 वोल्ट। बेस पावर तो सभी जगह सेम रहती है, तो अगेन मैंने क्या करी, यहाँ बेस वोल्टेज निकाल लिया। बेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, VB² / SB, यहाँ हो जाएगा 118.09 का स्क्वायर अपॉन 3 × 10³। तो बेटा ये निकल के आएगा आपका बेस वोल्टेज 4.64 ओम। तो यहाँ से मैं ZL पर यूनिट निकाल सकता हूँ, ZL पर यूनिट निकल के आएगा ZL अपॉन ZB आप एक चीज देखें, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये निकल के आएगा आपका 0.8 प्लस जे 0.3 डिवाइडेड बाय 4.64 इक्वल्स टू, ये निकल के आएगा बेटा आपका 0.1724, रिपीट करता हूँ 0.1724 प्लस जे 0.0646 पर यूनिट, इतने निकल के आ गया। तो बेटा इसमें अगला कहा गया है कि आपको करंट निकालनी है, लोड करंट इन बोथ पर यूनिट वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज। तो अब एक चीज देखिए, अब मैं ना सारे इम्पिडेंसेस को पहले एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सर्किट फॉर्म कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आता क्या है बेटा, सोर्स। सबसे पहले बेटा इसमें क्या आया है, सोर्स। तो सोर्स को ड्रॉ किया मैंने, अब सोर्स की पर यूनिट वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां पर वोल्टेज की 0.95 एंगल जीरो,
इतना आ गया आपका पर यूनिट वोल्टेज आ गया। फिर क्या है आपका ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर है बेटा आपका T1। तो इस T1 की जो रिएक्टेंस है आपने इधर निकाला है कितना है 0.10 पर यूनिट। अब यहाँ आप J का यूज कीजिए इस जगह पर। फिर आता है बेटा इसके बाद में आपकी यहाँ यह लाइन, यह आपकी लाइन। अब इसकी पर यूनिट वैल्यू बेटा हमने यहाँ निकाली है, यह 0.048। अब ये भी रिएक्टिव था तो रिएक्टिव निकल गया। फिर क्या आ रहा है बेटा अगेन सेकंड ट्रांसफार्मर, ये आ गया बेटा आपका T2। तो इसका कितना निकला था बेटा, यहाँ निकाला है आपने 0.,  ये भी जे में निकला है 0.1548। फिर आता है बेटा आपका लोड, लोड कैसा है बेटा आपका रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव। रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव, ये इंपेडेंस कितना है बेटा, ये रहा 0.1724। ये कितना है 0.0646 इस तरीके से। अब यहाँ जो करंट फ्लो करेगी उसे कहेंगे हम IL। अब ये करंट तो यहाँ से भी निकलेगी, सेम करंट होगी। तो ये जो सर्किट बना है बेटा इसे कहते हैं हम पर यूनिट सर्किट डायग्राम। और पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम अगर इसमें रजिस्टिव पार्ट नहीं होता तो उसे कहते हैं पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम। तो उसे हम क्या कहते हैं पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम। बट ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है आपका फॉल्ट एनालिसिस में कि फॉल्ट कहाँ हुआ है तो उस तरफ का नेट रिएक्टेंस या इम्पीडेंस कितना आ रहा है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, ये बहुत यूज होता है। हाँ तो बेटा अब निकालते हैं हम लाइन करंट, सॉरी लोड करंट। अब चलेगा बेटा लोड करंट के एनालिसिस। तो ये नोट कीजिएगा ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर इसे और फिर इसे नोट कीजिएगा। तो अब चेक करते हैं जेड टोटल पर यूनिट कितना निकल के आया है। तो वो सारे के सारे इम्पीडेंस क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। तो XT1 प्लस जे एक्स लाइन जे एक्स T2 प्लस ZL, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बेटा ये निकल के आएगा, फाइनल आंसर में लिख दे रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये निकल के जाएगा 0.1724, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एज इट इज है। फिर हो जाएगा बेटा 0.,  ऐड कीजिएगा बेटा, ये मैंने लिख दिया है एंगल फॉर्म में। ये निकल के आएगा 0.4058 एंगल 64.86 डिग्री पर यूनिट, इतना निकल के आया। तो अब IL पर यूनिट आप निकाल सकते हो कैसे, VS पर यूनिट अपॉन जेड टोटल पर यूनिट। तो बेटा ये निकल के आएगा आपका, ये जिधर का 0.95 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.4058 एंगल 64.86 डिग्री। तो बेटा ये हो जाएगा आपका
जब डिवाइड लगाएंगे तो आई पर यूनिट निकल के आएगा आपका 2.355 एंगल माइनस 64.86 डिग्री पर यूनिट। अब बेटा ये तो थी आपकी पर यूनिट करंट। अगर आपको यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, बेस करंट, वो भी कहाँ पर, इस सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट में आप बेस करंट डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, एस इक्वल्स टू वी इंटू आई, आई इक्वल्स टू वी अपॉन एस। ठीक, तो बेस करंट क्या हो जाएगा बेटा, आई बी इक्वल्स टू एस बी अपॉन वी बी। तो टोटल पावर कितना था बेटा, 3 × 10³ डिवाइडेड, उस साइड बेस वोल्टेज कितना है, 118.09। तो बेटा वो निकल के आएगा आपका आंसर 1.09, ये हो जाएगा बेटा 25.4 एम्पियर ये निकल गया। अब यहाँ से आप आई एक्चुअल निकाल सकते हो, आई एल इन एम्पियर्स, ये निकल के आएगा बेटा आई एल पर यूनिट इंटू आई बी, ये हो जाएगा 2.355 एंगल माइनस 64.86 डिग्री इंटू 25.4, ये निकल के आएगा बेटा आपका 59.83 एंगल माइनस 64.86 डिग्री एम्पियर। इसे आप और भी कई तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। ठीक, तो उसे कहते हैं बेटा हम रिएक्टेंस डायग्राम। ये सारे तरीके हैं इस सर्किट को मॉडिफाई करने के। ठीक,